नजर आ रही है। जी सर आ रही। मैं कह रहा था जिस तरह आप लोग जिनोन और फ्लोरीन का रिएक्शन करवाते हो उस कंडीशन में आप लोग जिस तरह टेम्परेचर और प्रेशर जो है चेंज करते हो इसके साथ इसकी रेशियो चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल होता है। अगर आप लोग जिनोन के 2 मोल यूज करते हो और फ्लोरीन के 1 मोल यूज करते हो और उस कंडीशन में आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो 6.3 केल्विन हो और प्रेशर 1 bar हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो XEF हासिल होता है। अगर आप लोग जीनोन का 1 मोल यूज करते हो और जीन के 5 मोल यूज करते हो और उस कंडीशन में टेम्परेचर आप लोगों का 873 केल्विन है और प्रेशर जो है वो 7 bar हो तो उस कंडीशन में आपके पास XEF4 प्रोडक्ट हासिल होता है। इसके बाद अगर आप लोग जीनोन का 1 मोल यूज करते हो और फ्लोरीन के जो है वो 20 मोल यूज करते हो और टेम्परेचर आप लोगों का जो है वो 573 केल्विन हो और प्रेशर 60 से लेकर 70 bar हो तो कंडीशन में आप लोगों के पास XEF6 प्रोडक्ट हासिल होता है। मैं आप लोगों से ये पूछ सकता हूँ कि आप लोगों के पास आप लोगों ने रिएक्शन करवाना है जीनोन और फ्लोरीन का और उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्या कंडीशन हो सकती है कि आप लोगों के पास डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इनके नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं और ये जो प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है ये आप लोगों ने साथ में लिखना है और इसके प्रोडक्ट जो है वो लिख देना, ठीक है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दे। मैंने कहा है कि मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जीनोन का जिस तरह आप लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल होते हैं आपके पास जीनोन के और फ्लोरीन का जिस वक्त आप मिक्स करते हो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये मैं ये पूछ सकता हूँ कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसके जरिए आप लोग जीनोन और फ्लोरीन को मिक्स करके डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने टेम्परेचर का बताना है कि अगर ये टेम्परेचर हो और ये प्रेशर हो और इसके साथ इनका जो मोल रेशो गिवन है जिस तरह पहले में जिस वक्त XEF2 प्रोडक्ट हासिल होता है तो उस कंडीशन में मोल रेशो जो है जीनोन के 2 मोल हैं और फ्लोरीन के जो है वो 1 मोल है। दोनों का मिक्सअप करते हो और टेम्परेचर रखते हो 673 केल्विन और प्रेशर 1 bar हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास XEF6 प्रोडक्ट हासिल होता है। आपने इस तरह बताना है। इसी तरह अगर आप लोग मोल यूज करते हो जीनोन के 1 मोल और फ्लोरीन के 5 मोल और टेम्परेचर आप लोग रखते हो 873 केल्विन और प्रेशर 7 bar हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास XEF4 प्रोडक्ट हासिल होता है। इसी तरह अगर आप लोग जीनोन का 1 मोल यूज करो और फ्लोरीन का 20 मोल यूज करते हो और टेम्परेचर आप लोगों का जो है वो 573 केल्विन हो प्रेशर आप लोगों का 60 से 70 bar हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास XEF6 प्रोडक्ट हासिल होता है, ठीक है। इसके बाद ये जीनोन के कुछ कंपाउंड है और उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है। इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है तो जिस वक्त आप लोग जीनोन का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हो उस कंडीशन में आपके पास XEF2 बनता है तो उस कंडीशन में इससे जो प्रोडक्ट है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और इनके दरमियान ये कोवलेंट आयोनिक फ्लोराइड कहलाता है जिसको हम कहते हैं XEF2। ये स्टेबल कंपाउंड है डिकम्पोज जिस वक्त आप लोग इसमें वाटर के वेपर्स या लाइट फॉल करवाते हो तो उस कंडीशन में ये कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब है कि ये जीनोन में और फ्लोरीन में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है और जिस तरह मैंने अभी बताया कि जिस वक्त इस पर वाटर फॉल करवाते हैं तो उस कंडीशन में भी ये कंपाउंड
F2 जो है डिफरेंट प्रोडक्ट में हासिल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि इसका मॉइस्चर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप लोग इस पर वाटरफॉल करवाते हैं तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट जो है किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो प्रोडक्ट नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है, मैं उसमें आपको बता दूंगा। उसके बाद इसको बता आप लोगों के पास XeF4 जो है वो कलरलेस क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म में प्रोडक्ट हासिल होता है, और इसकी ज्योमेट्री जो है वो स्फीयर प्लेनर है। इसके बाद XeF6 जो है इनकी ज्योमेट्री जो है ये लास्ट जो स्लाइड है इसमें दी हुई है। जिस वक्त आपके पास प्रोडक्ट हासिल होता है XeF2 तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर फॉर्म में है, और ये जो आप लोगों को ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं साइड में ये लोन पेयर है, और जो ये बाउंड आप लोगों को नजर आ रहे हैं इसमें ये जो है एक फ्लोरीन है, दूसरा ऊपर वाला दूसरा फ्लोरीन, और ये जो ऑर्बिटल है इसमें इनके पास तीन लोन पेयर जो जीनोन के बाकी बचते हैं वो मौजूद। XeO2F2 में आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम दो बाउंड बना सकता है। अब ये किसी हरकत है, इसके बाद ये जीनोन के वो कंपाउंड है जिसमें जीनोन ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है। इसमें जीनोन के XeO3 XeOF4 XeO2F2 ये तीन कंपाउंड हैं जिसमें जीनोन जो है ऑक्सीजन के साथ सिर्फ या ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करती है, और इसका रिएक्शन अगर आप लोग जिस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था जीनोन फ्लोराइड जो है वो मॉइस्चर सेंसिटिव है, जिस वक्त आप लोग इनका रिएक्शन करवाते हो या वाटर इसमें फॉल करवाते हो, फॉल करवाने के बाद इसका रिएक्शन होगा। अगर आप लोगों के पास वाटर की क्वांटिटी जो है वो आप लोग ज्यादा यूज करते हो, एक्सेस में यूज करते हो, तो उस कंडीशन में आपके पास XeO3 प्रोडक्ट हासिल होता है। अगर आप लोग वाटर की क्वांटिटी कम यूज करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास, मैं ये स्क्रीन शेयर ना करूं, XeO3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और इसकी ज्योमेट्री आप लोगों को नजर आ रही है, इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। इसके बाद बाकी दो कंपाउंड जो हैं, जिस वक्त आप लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो, जिस वक्त वाटर की क्वांटिटी एक मोल है, तो उस कंडीशन में आपके पास XeOF4 हासिल होता है। उसके बाद अगर आप लोग XeF6 का रिएक्शन दो मोल वाटर के साथ करवाते हो, उस कंडीशन में आपके पास XeO2F2 प्रोडक्ट हासिल होता है, और यहाँ पर स्केयर बाय पिरामिडल आप लोगों के पास स्ट्रक्चर जो है XeOF4 की स्ट्रक्चर गिवन है। और नेक्स्ट पेज जो है इसमें XeO2F2 की स्ट्रक्चर जो है जिसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d है, और XeOF4 जिसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d2 है, और ऊपर जो है इसकी ज्योमेट्री गिवन है। इसके बाद ये कुछ कंपाउंड यही जो आप लोगों ने अभी पढ़े हैं ये दिए हुए हैं, इसके साथ इसकी ज्योमेट्री का नाम भी दिया हुआ है, ज्योमेट्री भी शो की हुई है, ठीक है। और ये आप लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। जी सर, ये फर्स्ट फाइव जो स्लाइड्स हैं प्लीज इनको एक्सप्लेन कर दें, हम लेट ज्वाइन हुए थे तो हमें समझ नहीं आई फर्स्ट फाइव स्लाइड्स की। फर्स्ट फाइव स्लाइड जी सर, शुरू से वो हम लेट ज्वाइन हुए थे ना, तो हमें पता नहीं चला क्या क्या पढ़ा है। यही ऊपर कौन गन मार रहा, हद होती है।